तेरी अंधा याद करे, उस अंधे के अंधे ने जाके मेरी एक बात कह दियो के मैं सभा में जाने लायक ना मेरी। मुझे खूब पता है। नहीं पता, अगर तुझे पता होती तो आज हस्तिनापुर इस कगार पे नहीं होता, इस बर्बादी के कगार पे ले जाने का काम है तो केवल तेरा है दोती। और मैं ना अपने बड़े छोटों की खूब इज्जत करती हूँ, खूब मान सम्मान करती हूँ। अरे वाह, तेरी इज्जत को धन्यवाद है। हाँ सुन ले जरा। सुना। नारी जाने मन हलकारा मत ना जाने, मन हलकारा मत ना जाने, मत ज्यादा बकवाद करे। सिर पर जांगी तेरे अनाद बताती है। हाँ अपनी गलती कुछ नहीं बताती। मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा हाँ इतनी साफ सुथरी है तू। बिल्कुल पक्का। पक्का भाई वाह, बहुत समझदार है। एक तो तू ज्यादा ना बकवाद मत दे, बहुत देर तो देख रही हूँ तेरी जीभ चपर 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 चल रही है। मैं जीभ नहीं चलाने का हूँ, तू मेरे साथ चल, सारी लाड खत्म है। मेरी समाई का इम्तिहान मतलब बहुत समाई कर रही हूँ मैं। अच्छा हाँ तेरी समाई हमने बहुत देखी है और तो, देखते आ रहे हैं। नहीं तो इतने बजाऊंगी हस्तनापुर तक पावेगा नहीं ढूंढना। अच्छा हाँ वो कितनी बोल रहे हैं, ये जवान के कारण ही तो ये कारनामे हो रहे हैं। ऐसे ही बोलूंगी मैं तो। सुन तो जरा। सुना। बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर में ना समाई नहीं, मेरे जितनी और किसे में देवर में ना समाई नहीं। ये सारी पंचायत बैठी है, द्रौपदी कह रही है कि मेरे जैसी समाई किसी में नहीं है। हाँ पर द्रौपदी जो लाइन अब मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है वो 100 नहीं 200% सच मिलेगी। साथियों अगर मेरी बात सही लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। जरा दोबारा कह के बता दे।
मेरी बात सुन। सुना मेरे जितनी और किसे में प्यार मिला सफाई नहीं, मेरे जितनी और किसे में प्यार मिला सफाई नहीं। अरे तेरे ते जाता मारे कुल में और बजात लुगाई नहीं। करे नहीं किसे में जोर ईसा जी में करे। द्रौपदी, हाँ। ये धुआं इसलिए भेजा है कि द्रौपदी की आंख खुल जाए, और नहीं सब कुछ भस्म होने वाला है हस्तिनापुर में। अपने भाई की खुलवा ले, उसकी बंद पड़ी है आंख। नहीं, उसकी तो खुली पड़ी है, पर तेरी पे चर्बी आ रही है। ओहो। तेरी चर्बी दूर करनी है आज हमें। सुना, सुन ले। कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे, कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। द्रौपदी जरा आगे को आ, क्योंकि ये धुआं आ रहा है नहीं आज तो, ऐसे लग रहा है जैसे तू सुरग लोक में इंद्र के खाड़े में हो। हाँ। देखते नहीं है सुरग में ऐसी धुआं उड़ता है। तू नहीं सपना में रही हो, अपने आप ने इंद्र नहीं, मैं तो तुझे दर्शा रहा हूँ आज तू, क्योंकि ये पूरी सभा जुड़ी हुई है और ये सुरग में उड़ता है इस तरह का धुआं। तू कई सपनों में सोच रहा इंदर। हाँ, समझ गई मेरी बात को? समझ गई मैं तेरी बात। हाँ, तू समझ नहीं रही है, अगर समझती तो मेरे साथ चलती। तुझे एक बात बता दूं? हाँ, तेरी समझ के लिए। अच्छा, जब गिद्दड़ की मौत आती है ना, हाँ, तो वो गांव की तरफ ही भागता, तेरा भी वही हाल हो गया है। मैं गांव की तरफ नहीं भाग रहा। हाँ। मैं तो तेरी तरफ भाग रहा हूँ, तुझे समझाने का काम कर रहा हूँ। तो तेरी मौत भी ना यही खड़ी है। अच्छा, हाँ, सुन ले तो जरा, कौन किसकी मौत सुना है? दीपक, सही है। कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे, कौन नचाने वाले हो जब खुद
था मुझे। हाँ मुझे बचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूँ। तू? हाँ आज तेरा कोई इमदादी भी नहीं आने वाला हस्तनापुर में। तू द्रौपदी ने शेरनी तक कम मत समझे। शेरनी नहीं, आज तुझे गीदड़ नहीं बना देंगे हम। हाँ गीदड़ तो मैंने तुझे बना ही दिया वैसे भी। अच्छा गीदड़ तो तू है। मैं गीदड़ नहीं हूँ, हम छत्री हैं। छत्री देख लो ये छत्री है। हाँ अब छत्री पे वैसे तो कोई काम रहा नहीं, अब सिर्फ पे छत्री छत्री रह रही है, वही लेकर डोलते रहो तुम। दादा एक बार हाथ उठाओ जो जो यहाँ छत्री बैठे हैं, हम औरतों से नहीं डरते। द्रौपदी जो औरत ज्यादा बोलती है उसकी जुबान को काटने का काम करते हैं। यहाँ छतरी कोई ना बैठे, दो चार बैठे नहीं बैठे हैं। एक बार हाथ उठाओ भाई सारे के सारे। क्या बात है, अभी उन्होंने जेब में हाथ दे रखे हैं। अब छतरी भी डर के मारे हाथ उठा ना रहे हैं। नहीं वो उठाएंगे जब उनका समय आएगा, जब सब सामान उठाएंगे वो। क्योंकि जब तेरा यू हाल हो रहा तो इनका क्या हाल होगा। सुन ले जरा मेरी बात। सुना आज क्या कहानी होगी। अरे रूख दूसरा, अरे पेड़ दूसरा लगी जमावन, पेड़ दूसरा लगी जमावन, कन पहला बोया काटा ना। नौकरानी ना बैठ जा छोड़। अच्छा हाँ अब बोल। मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ अभी, पर मेरे में कोई समाई नहीं अब। हाँ बिल्कुल, बहुत गर्म खून ले रही है। हाँ आज तेरा फ्रिज में लगा दूँ मैं। हम बे सुन ले जरा बात। सुना अरे हमने करो हमने करो हमने करो कौन कहे, अरे हमने करो कौन कहे, जे तने थूक पे ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न बांटाना, ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न बांटाना। अरे पहले करा हुआ भर ले द्रौपदी, पहले करा हुआ भर ले द्रौपदी, पहले करा हुआ भर ले द्रौपदी, मत ताजा खड़ा फिसाद करे मानसिंह के भजनों की। और बताया बंजड़ धरती हल कुद के फेरे बैल बगाड़, कि मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए। हाँ। और बंजड़ धरती हल कुद के फिर बैल बगाना ना चाहिए। पहली लाइनों के माध्यम से एक जमींदार का जिक्र किया है, कहने के लिए तो जमींदार के पास 100 बीघे भूमि है। इतनी भूमि होने के बाद अगर उस जमींदार के घर में टोटा है तो जमींदार भी किसे काम का नहीं। पहली लाइन में के बताया हेरे सो बीघे के जमींदार के घर में टूटना चाहिए, जाथर थोड़ा जबर घना जाथर तो
समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है तो एक बार ताली बजा दो, क्योंकि ताली नेता भी नेतर कलाकार कैसी लग्या करें जिसी एक जाप्पे वाली औरत के घी और गूंद लग्या करें। तो थारी ताली कलाकार में ताकत का काम करती है। और भाई हमारे आदरणीय सतबीर डाकिया साहब जी, हाँ वो भी 100 रुपए का पुरस्कार हमें देते हैं, निशा जांगड़ा जी की इस रागनी पर देते हैं। एक बार जोरदार तालियां। निशा जी क्या कह रही थी, कैसे लगती है जैसे जापे में 5 किलो घी फालतू दे दिया हो। पर आजकल तो बुढ़ापे में अगर च्यवनप्राश नहीं मिला नहीं तो बुढ़ेन की आजकल खांसी भी नहीं जाती, च्यवनप्राश भी आजकल ये समझो जच्चा की तरह काम कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और आप भी थोड़ा मेहनत के साथ आ जाओ, 5 किलो घी आपको भी हसनपुर से आज दिवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंसान करना कुछ चाहता है लेकिन हो कुछ जाता है। इंसान को कभी भी कोई भी कार्य जल्दी में नहीं करना चाहिए, जो भी करो सोच समझ कर करना चाहिए। आइए दूसरी लाइन हम क्या होता है। जेठ साड़ में हो, जेठ साड़ में बोवे बाजरा हो, जेठ साड़ में बोवे बाजरा, अड़ में फाड़ा ना चाहिए मिर्च के खातर। और बताया, क्योंकि जब भी ब्याह शादी का काम करो तो वो भी सोच समझ के करना चाहिए। और क्यों, बेटी की कागज मेरे भी बदल गई है। पहले इतनी महंगाई नहीं हुआ करती, लेकिन आज गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुत्तों का भाव और भैंसों का भाव भी बराबर हो गया है। अगर बढ़िया कुत्ता लेने जाओगे ना, वो भी 2-3 लाख रुपए से कम नहीं आता। और कुत्तों की वैरायटी भी अलग अलग मिलेगी। और बढ़िया भैंस लाओगे हरियाणा से, हाँ जी हरियाणा से, वो भी कहां से भला, सोनीपत चले जाओ, रोहतक चले जाओ, रोहतक चले जाओ, झज्जर चले जाओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतनी दूर से इतनी महंगी भैंस लाने के बाद अगर वह भैंस दूध नहीं देवे तो आदमी ने कैसे कैसे गुस्से में है, ऐसा मन करे इस भैंस में ही आग लगा दे, तो ऐसी भैंस का भी कोई फायदा नहीं। आइए तीसरी लाइन हम क्या, सोच भी बदल गई है, वैसे वैसे रिश्तेदारी भी बदल गई है। पहले के ब्याह शादी में और आज के ब्याह शादी में बहुत फर्क आ गया। पहले माँ बाप की मर्जी से ब्याह हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो हुए बाबा लव मैरिज। अब लव मैरिज वाली का कोई भरोसा नहीं, हाँ। रुका तो पूरी जिंदगी रुक जा,
और नहीं रुके तो दो साल भी मुश्किल निकालेगी। कवि ने तीन तरह के ब्याह बताए हैं, एक माँ बाप की मर्जी थे, एक जो आजकल करे लव मैरिज, और तीसरा बताया भाई कर क्या ला रखी है बकरी और कौन सी है ये बताया। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा तो मैं सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा सरकार ने थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। के साथ इस रागनी को आपके बीच सुना रहे हैं हमारे आदरणीय चौधरी जतन सिंह मुखिया साहब, भाई वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं, और हमारे आदरणीय जी हां हमारे आदरणीय सतीश पंडित जी वो भी 100 रुपए देते हैं, श्रीमान श्री अनिल त्यागी साहब भाई वो भी 100 रुपए देते हैं, और आदरणीय हमारे बड़े ही रागनी प्रेमी बड़े ही देशभक्त जी हां हमारे चौधरी सतपाल साहब, जी हां चौधरी सतपाल साहब भाई वो 500 रुपए का पुरस्कार शहीद आजम भगत सिंह की इस रागनी का, इस देशभक्ति रागनी का सम्मान करते हैं 500 रुपए देकर। हम सतपाल साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान हो जाए, क्या बताए भला। प्रधानमंत्री मोदी जी एक सहारे प्राणों के, अमित शाह और राजनाथ जी हैं ऊंचे अरमानों के, जयंत चौधरी जी, जी हां साथियों जो किसानों के मसीहा है एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, और मैं माननीय जयंत साहब जी के लिए भी दो शब्द रख रहा हूं। अरे जयंत चौधरी नेता प्यारे, मन बस गए नौजवानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के। अरे एमपी बने करक साहब रे, एमपी बने मन, कौन कौन चाहता है कि हमारे मानने जो गर्ग साहब बैठे हैं वो एमपी बने, एक बार हाथ उठाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ जी कि आप एमपी तो बने ही बने, पर साथ में मंत्री आप बने, भगवान से ऐसी कामना करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां। और कहेंगे क्या, अरे एमपी बने गर्ग साहब हम बैठे आस लगाई, ओ अतुल गर्ग मंत्री जी हमारे दिल के भी समाए, सम्मान में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने हमारे क्षेत्र को सुलभ बनाने का काम किया, हमारे आदरणीय विधायक साहब जी हां माननीय धर्मेश तोमर जी, उनका भी हम सम्मान करते हैं, और आपकी तरफ से मैं चाहता हूं उनके लिए भी दो शब्द हैं, एक बार तालियां होनी चाहिए जोश और जनून के साथ। और क्या है शब्द, धर्मेश तोमर विधायक जी, धर्मेश तोमर विधायक जी। विधायक साहब जी आप भी एक बार खड़े हो जाओ तो मेरा भी दिल गदगद हो जाएगा, क्या बात है, एक बार जनता का विधायक सांसद बन के गर्ग साहब,
आप भी हो जाओ जी मान्य मंत्री साहब, क्या बात है भाई, ताली बजा दो, क्या बात है। अरे सांसद बने के गर्ग साहब, गरीबों का पक्का घर होगा। मोदी जी पीएम बने, ये गागर में सागर होगा। हमारा भारत देश फिर से शक्ति से पावर होगा। हमारा भारत देश फिर से शक्ति से पावर होगा। अरे पहले भी मंत्री बनते भाई, पहले भी मंत्री माननीय योगी जी की सरकार में रहे और उन्होंने अनेकों काम करे अपने क्षेत्र के लिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो तालियां बजा दो, क्या बात है। अरे पहले भी मंत्री बनके इनो करके काम लिखाए, अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। बड़े ही समाज सेवी और हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं जी हाँ, दिलावर गुजर जी नंगला निवासी भाई, वो भी 500 रुपए से स्वागत गीत का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों, जोरदार तालियां। और क्या बताया है, क्योंकि 26 अप्रैल की वोटिंग है, 26 अप्रैल की वोटिंग है और आपको कमल के बटन वाला बटन दबाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर माननीय मंत्री साहब जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें साथियों। आइए किस तरह से सारी जनता टूट के पड़ेगी और कमल को ये समझो मशीन भी फेल हो जाएगी, इतना बटन दबाएंगे जी। आइए क्या बता दिया, छब्बीस अप्रैल को भाइयों कमल की बटन दबानी होगी, मंत्री जी को भारी वोटों से हमको विजय दिलानी होगी। क्षेत्र की हर एक समस्या दूर हमें भगानी होगी। राम राज लाना है भाइयों, अब यो अलग जगानी होगी। राम राज लाना है भाइयों, अब यो अलग जगानी होगी। रसोई जनता जगानी होगी, रसोई जनता जगानी होगी। जो कसम राम की खाए, अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। पूरा हसनपुर गांव बड़ा स्नेह बड़ा प्यार करता है मंत्री साहब आपसे और माननीय विधायक साहब जी आपसे, और जो हमारे बड़े सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के और समस्त गांव के से सम्मान रखते हैं मेरे आदरणीय राज्यपाल प्रधान जी। राज्यपाल प्रधान जी भाई, एक बार आप भी खड़े हो जाओ, जनता का अभिवादन स्वीकार करें भाई। एक बार प्रधान जी के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की आन बान शान है। आइए किस तरह से इनके चंद शब्द मैंने भी रखे हैं, क्या बताया। अरे राज्यपाल प्रधान जी मारे बड़े दिल अरे प्यारे हैं, क्षेत्र में तो इनके नाम के गूंज रहे जयकारे हैं। अतुल गर्ग मंत्री जी का ये सम्मान बढ़ा रहे हैं। जब जीत के आवेंगे, जब मंत्री जी जीत के आएंगे, नहीं ये तो छोटा कार्यक्रम है, और बड़ा कार्यक्रम हमारे प्रधान जी और माननीय मंत्री साहब जी के स्वागत में होगा साथियों, और ज्यादा होगा। एक बार तालियां बजा दो। और क्या कहा, अरे जब जीत के आवेंगे और प्रोग्राम करवा रहे हैं, और जीत के आवेंगे प्रोग्राम करवा रहे हैं। अरे पर वे शर्मा गा रहे हैं, अरे पर वे शर्मा गा रहे हैं, तो भोले नाथ मनाए। अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी
प्रधानमंत्री मोदी जी एक सहारे प्राणों के, अमित शाह और राजनाथ जी हैं ऊंचे अरमानों के, जयंत चौधरी जी। जी हाँ साथियों, जो किसानों के मसीहा है एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं माननीय जयंत साहब जी के लिए भी दो शब्द रख रहा हूँ। अरे जयंत चौधरी नेता प्यारे, मन बस गए नौजवानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के। अरे एमपी बने करक साहब रे, एमपी बने मन, कौन कौन चाहता है कि हमारे मानने जो गर्ग साहब बैठे हैं वो एमपी बने, एक बार हाथ उठाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ जी कि आप एमपी तो बने ही बने, पर साथ में मंत्री आप बने। भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां और कहेंगे क्या, अरे एमपी बने गर्ग साहब हम बैठे आस लगाई, ओ अतुल गर्ग मंत्री जी हमारे दिल के भी समाए, जाने पहचाने विधायक साहब जिनके सम्मान में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उन्होंने हमारे क्षेत्र को सुलभ बनाने का काम किया, हमारे आदरणीय विधायक साहब जी हाँ माननीय धर्मेश तोमर जी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ उनके लिए भी दो शब्द हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए जोश और जनून के साथ। और क्या है शब्द, धर्मेश तोमर विधायक जी, धर्मेश तोमर विधायक जी। विधायक साहब जी आप भी एक बार खड़े हो जाओ तो मेरा भी दिल गदगद हो जाएगा। क्या बात है, एक बार जनता का अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि ये बड़े जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। क्या लिखा है, धर्मेश तोमर विधायक जी उनका भी आदर होगा, सांसद बन के गर्ग साहब आप भी हो जाओ जी माननीय मंत्री साहब। क्या बात है भाई, ताली बजा दो, क्या बात है। अरे सांसद बन के गर्ग साहब गरीबों का पक्का घर होगा, मोदी जी पीएम बने ये गागर में सागर होगा, हमारा भारत देश फिर से शक्ति से पावर होगा, हमारा भारत देश फिर से शक्ति से पावर होगा। अरे पहले भी मंत्री बन के, पहले भी मंत्री माननीय योगी जी की सरकार में रहे हैं और उन्होंने अनेकों काम करे हैं अपने क्षेत्र के लिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो तालियां बजा दो, क्या बात है। अरे पहले भी मंत्री बन के इन्हों करके काम लिखाए, अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए, अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए। समाज सेवी और हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं जी हाँ दिलावर गुजर जी नंगड़ा निवासी भाई, वो भी 500 रुपए से स्वागत गीत का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों, जोरदार तालियां। और क्या बताया है, क्योंकि 26 अप्रैल की वोटिंग है, 26 अप्रैल की वोटिंग है और आपको कमल के बटन वाला बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर माननीय मंत्री साहब जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें साथियों। आइए इस तरह से सारी जनता टूट के पड़ेगी और कमल को ये समझो मशीन भी फेल हो जाएगी, इतना बटन दबाएंगे जी। आइए क्या बता दिया, अप्रैल को भाइयों कमल की बटन दबानी होगी, मंत्री जी को भारी वोटों से हमको विजय दिलानी होगी, क्षेत्र की हर एक समस्या दूर हमें भगानी होगी, राम राज लाना है भाइयों अब यो अलग जगानी होगी, राम राज लाना है भाइयों अब यो अलग जगानी।
रसोई जनता जगानी होगी हे रे 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 और रसोई जनता जगानी होगी जो कसम राम की खाए अतुल दर्द मंत्री जी मारे दिल के भी समाए अतुल दर्द मंत्री जी मारे दिल के भी समाए हसनपुर गांव बड़ा स्नेह बड़ा प्यार करता है मंत्री साहब आपसे और माननीय विधायक साहब जी आपसे और जो हमारे बड़े सच्चे सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के और समस्त गांव के से सम्मान रखते हैं मेरे आदरणीय राजपाल प्रधान जी। राजपाल प्रधान जी भाई एक बार आप भी खड़े हो जाओ, जनता का अभिवादन स्वीकार करें भाई, एक बार प्रधान जी के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की आन बान शान है। आइए किस तरह से इनके चंद शब्द मैंने भी रखे हैं, क्या बताया, अरे राजपाल प्रधान जी मारे बड़े दिल अरे प्यारे हैं, क्षेत्र में तो इनके नाम पे गूंज रहे जयकारे हैं, अतुल गर्ग मंत्री जी का ये सम्मान बढ़ा रहे हैं, जब जीत के आवेंगे, जब मंत्री जी जीत के आएंगे, नहीं ये तो छोटा कार्यक्रम है, और बड़ा कार्यक्रम हमारे प्रधान जी और मंत्री साहब जी के स्वागत में होगा साथियों, और ज्यादा होगा, एक बार तालियां बजा दो। और क्या कहा, अरे जब जीत के आवेंगे और प्रोग्राम करवा रहे हैं, और जीत के आवेंगे प्रोग्राम करवा रहे हैं, और परमेश शर्मा गा रहे हैं, अरे परमेश शर्मा गा रहे हैं, भोले नाथ मनाए अतुल गर्ग मंत्री जी मारे दिल के भी समाए, अतुल गर्ग अरे अतुल गर्ग मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए, अतुल गर्ग मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए, आना मादरस दिखाना रे वीणा वाणी, आना मादरस दिखाना वीणा वाणी, आना मादरस दिखाना, तरस दिखाना मैया तरस 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 दिखाना, वीणा वाणी आना मा तरस दिखाना रे, वीणा वाणी आना मा तरस दिखाना, ये हो क्या बात है साले, बच्चे बैठ जाओ पीछे बैठो, बच्चे हो सामने पहले मैं तेरे नाम को सुमरूं, पहले मैं तेरे नाम को सुमरूं, पहले माथर नाम को सुमरूं, पहले माथर नाम को सुमरूं, पाछे गांव में गाना मादरस दिखाना रे, वीणा वाणी आना मादरस दिखाना, वीणा वाणी आना मादरस दिखाना, जय हो थल में तू है, थल में तू माँ थल में तू है, थल में तू माँ थल में तू है, तब में तेरा ठिकाना
Bhagavan.